देखो अकाउंटिंग का जो क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग का सिलेबस जो अभी तक आपके पोर्टल पे दिखाई दे रहा है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेज हो सकते हैं। इतने बड़े चेंजेस नहीं है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से साइकोलॉजी को हटाकर शिफ्ट कर दिया फर्स्ट पेपर की तरफ, तो कुछ वेटेज इधर बढ़ेगा, कुछ सिलेबस बढ़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सिलेबस हैं जिनमें कभी चेंज नहीं हो सकता। शुरुआत पहले वहीं से करता हूं। एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं, नए टॉपिक पे बात कर रहा हूं, लेखांकन परिचय। लेखांकन का परिचय, देखो यहां आपको क्या सीखना है, यह है अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। देखो अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप बुककीपिंग भी सीखेंगे, आप अकाउंटिंग भी सीखेंगे और आप अकाउंटेंसी भी सीखेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है बेसिकली। और यहां मैं जो पहले एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं वहां से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दें तो ज्यादा बेटर है। कनेक्टिंग जो बातें हैं मैं साथ में आपको बताते हुए चलूंगा। परिचय के अंदर बेसिकली मैंने दो यूनिट बनाई है, यूनिट ए और यूनिट बी। ये जो यूनिट ए है इसमें आते हैं अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, यहां आते हैं अकाउंटिंग के सारे एजम्पशंस। हिंदी में क्या है सब बात करूंगा, एजम्पशंस। यहां आते हैं अकाउंटिंग की सारी कन्वेंशंस, परंपराएं। यहां आते हैं अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स। और इधर आता है बेसिक स्टडी में बुककीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, वो बातें यहां पे आती है। तो स्टार्ट तो करेंगे देखो यहां से। ये चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, कभी हो सकता है दो भी क्वेश्चन बन जाए क्योंकि बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है। तो लगभग चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता है, चाहे वो अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे लेक्चरर का एग्जाम हो, सब में ये चैप्टर पूछा जाता है। यहां मैं यूनिट में इसका पार्ट पहले स्टार्ट करूंगा ए, इसमें ये बातें स्टार्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स। लगभग ये चारों क्या है इनके बारे में बात करूंगा। लगभग ये इसमें 13 पॉइंट आएंगे और ऑलमोस्ट मान लो कि 5.1 में आएंगे, लगभग 65 पॉइंट है और लगभग 5 लाइनें एक्स्ट्रा है, 70 लाइंस है लगभग, जिनमें से आपके दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे सीखना है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेरी हो तो फिर पूछ लेना। देखो इधर जो मैं पहली बात कर रहा हूं इसको मैं बोल रहा हूं सबसे पहले इंग्लिश की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके इंग्लिश के वर्ड सीखने पड़ेंगे। इंग्लिश के वर्ड लिखा मैंने एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो शब्द क्या आया है, एंटिटी। अब मैं थोड़ा सा इसमें और इसको बोल देता हूं, बिजनेस एंटिटी। देखो एंटिटी वर्ड वापस आ गया। फिर मैं शब्द यूज कर देता हूं सेपरेट एंटिटी। ये लो वापस एंटिटी शब्द आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जब भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा इंग्लिश वोकैबुलरी में इस शब्द को उनको लेना पड़ेगा। और ये शब्द है एंटिटी। बेसिकली एंटिटी का मतलब होता है सत्ता। अब इसको व्यवसाय सत्ता भी बोल सकता है, इसको पृथक अस्तित्व भी बोल सकता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कब सिखाया जाता है और क्यों सिखाया जाता है, पहले ये सीखो। देखो जब स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करता है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट बनूंगा, तो उसको सबसे पहले कॉमर्स का स्टूडेंट बनाने के लिए बात सिखाई जाती है। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि देखो ये सीख लो, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। पहले तो ये समझ लो, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का मतलब होता है आपका संगठित व्यापार। तो आप ये बोलोगे कि सर क्या व्यापार भी ऑर्गेनाइज्ड और
अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह के होते हैं। हाँ, दोनों तरह के होते हैं। व्यापार संगठित भी होता है, व्यापार असंगठित भी होता है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं, आप जो जानकारियां जुटाते हैं, आप जो पढ़ते हैं, वो दोहरा लेखा होता है। दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम होता है, लेकिन लेखा तो इकैरा भी होता है। इकैरा लेखा भी होता है और दोहरा लेखा भी होता है, दोनों लेखा अलग अलग होते हैं। जो व्यापार संगठित होते हैं वो सभी दोहरा लेखा पर चलते हैं, और जो व्यापार असंगठित होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, वो इकैरा लेखा पर चलते हैं। तो व्यापार में जनरली सिलेबस का पार्ट बनाया जाता है संगठित व्यापार के लिए, और सिलेबस में कहीं ना कहीं दे देते हैं जिसको आप सिंगल एंट्री बोलते हो, जिसको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हो, वो फर्क होता है। ये जो आपका पॉइंट है, ये कहता है कि संगठित व्यापार क्या होता है। तो व्यापार के तीन स्वरूप आते हैं, आपको उनकी चर्चा करता हूं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, अकेला एकाकी व्यापार, जिसका स्वामी अकेला है, पूंजी कम है, रिसोर्सेस कम है, छोटी सी दुकान चलाता है किराने की, फेरी वाले, फुटपाथ वाले, आप जो गली में छोटे छोटे वेंडर्स देखते हो, ये सारे उसी में आते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। जनरली एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म दोनों ही असंगठित व्यापार होते हैं। सर, असंगठित क्यों होते हैं? ये इनके स्वरूप में ही छुपा हुआ है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता। इनका रजिस्ट्रेशन कराना ऐच्छिक होता है, मतलब इनके ऊपर सरकार की भी नजर नहीं है सही मामले में तो, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये अपना पेट भर ले, बस उससे ज्यादा इनके बारे में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका स्केल बड़ा नहीं है। तो जो अकाउंटिंग सिखाई गई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अकाउंटिंग सिखाते हैं ऑर्गेनाइज बिजनेस की, पहले कि संगठित व्यापार कैसे चलता है। और किसी ने पूछा, सर संगठित व्यापार की डेफिनेशन क्या है? संगठित व्यापार में आप ये मान लो कि बॉडी कॉर्पोरेट, निगमित निकाय, कौन सा निकाय? निगमित निकाय, और जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए और वो अपने आप को संगठित उन्होंने कर लिया, तो वो सारे व्यापार दोहरा लेखा ही अपनाएंगे। तो व्यापार में ये जो शब्द आया, जिसको हमने नाम दिया एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सत्ता या व्यवसाय सत्ता या पृथक अस्तित्व, इसका सब में एक कॉमन वर्ड मिलेगा जिसका नाम है एंटिटी। सर, अब एंटिटी वर्ड में यहां क्या बताना चाहते हैं तो सुनो। संगठित व्यापार में कहा जाता है कि जो स्वामी है, जिसको व्यापार शुरू करना है, जिसको आप कहीं ना कहीं बोलते हो कि ये व्यापार का ओनर है, और ये है उसका व्यवसाय, यानी ये है उसका बिजनेस। तो ये कहा गया कि देखो, जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं और आप ये चाहते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉपर हो, आप ये चाहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाए, आप ये चाहते हैं कि रिजल्ट प्रॉपर डिक्लेयर हो, तो ये कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट ने इन दोनों के बीच एक विभाजन की रेखा, डिमार्केशन कर दिया, इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया, इन दोनों के टुकड़े अलग अलग कर दिए। और उन्होंने कहा कि देखो, एक संगठित व्यापार अगर है जहां पर बुक्स रखी जाएगी, जहां पर लेखा पुस्तक रखी जाएगी, जहां पर अकाउंटिंग की जाएगी, तो पहले दिन से कह दिया कि देखो, लेखांकन का दृष्टिकोण ये कहता है, अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि ऑनर की बुक्स अलग बनेगी और बिजनेस की बुक्स अलग बनेगी। जनरली क्या होता है, जो बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो सेपरेट बुक्स नहीं बनाते हैं, वो एक ही बुक्स बनाते हैं, उसमें खुद की अकाउंटिंग भी कर लेते हैं, उसमें बिजनेस की भी कर लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको फिर उनको ट्रांजेक्शन को अलग अलग करना पड़ता है, और ये बड़ा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसका मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है
तो उन्हें पृथक अस्तित्व को सेपरेट एंटिटी की पालना करनी चाहिए, उनको ऑनर की और बिजनेस की बुक्स अलग अलग बनानी चाहिए। ऑनर और बिजनेस की बुक्स अलग अलग बनाने का मतलब यह है कि दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, इसकी इनकम अलग है, इसके एक्सपेंस अलग है। इस बिजनेस की इनकम अलग होती है, उसके एक्सपेंस अलग होते हैं। मुकेश अंबानी की इनकम अलग है, उसके एक्सपेंस अलग है। रिलायंस इंडस्ट्री की इनकम अलग है, उसके एक्सपेंस अलग है। मुकेश अंबानी की एसेट अलग है, रिलायंस की एसेट अलग है। ये तभी अलग है जब अकाउंटिंग अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज करें उसका नाम राम है और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है राम स्टोर, ये उसका बिजनेस है। अगर आप सेपरेट एंटिटी ऑर्गेनाइज बिजनेस का स्वरूप चाहते हो तो आप एक काम करो, दोनों की बुक्स अलग अलग बनाओ। इसका मतलब राम की बुक्स अलग होगी और बिजनेस की बुक्स अलग होगी। अगर दोनों की बुक्स आपने एक बना ली ना, तो आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे चले जाओगे, अपूर्ण लेखा पर चले जाओगे। अगर आप दोनों को अलग अलग रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसके खर्चे, इसकी आय, इसकी संपत्ति, इसके दायित्व अलग लिखे जाएंगे, इसकी एक्सपेंस, इसके इनकम, इसकी एसेट, इसकी लायबिलिटी अलग लिखे जाएंगे। ये अलग अलग करने का कॉन्सेप्ट था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहली बात ये बनती है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट किस स्वरूप पे लागू होती है, ऑर्गेनाइज बिजनेस या अनऑर्गेनाइज पर, ऑर्गेनाइज पर, इनमें से किस पर लागू होती है, एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, कंपनी या उपरोक्त सभी पर, केवल कंपनी पर, क्योंकि ऑर्गेनाइज बिजनेस में शामिल किया गया कंपनी को, साझेदारी और एकाकी को नहीं किया गया। ठीक है सर, दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बनेगी, अलग अलग। दोनों की लेखा पुस्तक क्या बनेगी, अलग अलग। और देखो इस राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो 10 लाख रुपए काय के लगाए, पूंजी के। भाई जब व्यापार शुरू होगा तो स्वामी को पैसा तो लगाना पड़ेगा ना बिजनेस को स्टार्ट करते समय। इसने स्टार्टिंग के टाइम पे 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए। देखो बिजनेस कितना समझदार है, बिजनेस अपनी क्या बनाएगा, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। और देखो इस ओनर की कैपिटल को बिजनेस ने अपने लायबिलिटी साइड पर दिखाया, कितने रुपए, 10 लाख। तो किसी ने कहा बिजनेस ने लायबिलिटी क्यों माना, अरे बिजनेस कह रहा तू अलग में अलग, तूने व्यापार को पैसा दिया है तो एक तरीके से व्यापार को तूने कर्जा ही तो दिया है, तो उसका मतलब ये व्यापार जो है स्वामी को अलग मान रहा है, कह रहा तूने कौन सा एहसान किया है, तू व्यापार में पैसा दे रहा है, हम व्यापार से लाभ कमा के तेरे को दे देंगे, तो तेरी कैपिटल में जोड़ लेना उसको। इसका मतलब पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण इवन ऑनर की कैपिटल को भी बिजनेस कहां दिखाता है, अपनी लायबिलिटी साइड पर। और ऑनर को क्या मानता है, क्रेडिटर, लेनदारी तो है वो, अलग व्यक्ति है वो। और अगर ये कहा गया कि राम अगर तेरे कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो तू बिजनेस में मत लिखना, अगर तूने बिजनेस में लिखे, जैसे राम अपने बच्चों की स्कूल फीस का पेमेंट करता है और करता बिजनेस के अकाउंट से है, तो ये गलत है ना, बिजनेस से तो बिजनेस के खर्चे पेमेंट होने चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो बिजनेस बोलेगा कि तूने अपनी पूंजी निकाल ली, क्या निकाल ली, पूंजी, और उसको हमने नाम दिया ड्रॉइंग, आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है, जब स्वामी व्यापार में से अपने पर्सनल खर्चों का पेमेंट करता है तो ये व्यापार, इसको क्या नाम देता है, ड्रॉइंग। और आगे जाके आप सीखोगे कि स्वामी इवन पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनर बोलता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मुझे मेरी पूंजी पर क्या दो, ब्याज। तो व्यापार कहता है ठीक है पूंजी पर ब्याज ले लो, लेकिन अगर तुमने आहरण किया है, क्या किया है, आहरण, तो तुम भी आहरण पर क्या दो, ब्याज। अगर तुम मांग रहे हो तो हम भी मांगेंगे तुम्हारे से। ये जो परिपाटी चली ये केवल इसी कॉन्सेप्ट की वजह से चली। तो यहां 5 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जनरली 1-2 तरह के क्वेश्चन ही आए तो लोगों को आदत पड़ गई उनको तैयार करने की, लेकिन 5 पॉइंट कौन से हैं। पहली बात, इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये ऑर्गेनाइज बिजनेस पर ही लागू होता है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पर लागू नहीं होता।
इसमें बिजनेस की और ऑनर की बुक्स क्या बनती है, सेपरेट। इसमें ऑनर को, स्वामी को बिजनेस में मानते हैं क्रेडिटर, लेनदार, और इसमें ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस को मानते हैं ड्रॉइंग, और इसमें ड्रॉइंग पे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस इसके अलावा अब शब्दों का यूज है केवल। क्वेश्चन आ गया, किस अवधारणा के कारण आहरण का लेखा किया जाता है? आहरण मतलब ड्रॉइंग, उसका लेखा किसकी वजह से करते हो, सेपरेट एंटिटी। अब थोड़ा सा और अच्छी हिंदी बना दूं, किस कॉन्सेप्ट की वजह से स्वामी को व्यापार में कर्जदाता मानते हैं, पृथक अस्तित्व, कर्जा ही तो दिया, लेनदारी तो माना है उसको। ये उसके बोलने का अपना एक तरीका है, स्वरूप है। ये अपन ने जो कॉन्सेप्ट किया, ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर दो, जिससे फिर आगे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता जो है उसमें इसका दूसरा नाम होता है परंपरावादी, इसका तीसरा नाम होता है पुरातनवादी, इसका चौथा नाम होता है संकुचनवादी, इसका फिर एक नाम होता है विवेक, इसका फिर एक नाम होता है दूरदर्शिता। रूढ़िवादिता, परंपरावादी, पुरातनवादी, संकुचनवादी, विवेक, दूरदर्शिता, इतने नामों से आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि जिनके इतने नाम होते हैं ना, इसका मतलब ये तो तय है कि वो पॉपुलर तो बहुत ज्यादा है, वो पॉपुलर बहुत ज्यादा है, और जो पॉपुलर ज्यादा होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड भी बन जाता है। पर इंग्लिश में नाम याद करके चलना नाम है कंजर्वेटिज्म, और दूसरा नाम है इसका प्रूडेंस। प्रूडेंस, ये दो नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए, एक नाम है कंजर्वेटिज्म और एक नाम है प्रूडेंस। अब देखते हैं, समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखो ये एक परंपरा है, ये एक परिपाटी है। परंपराएं क्या होती है उसके जिक्र आगे करेंगे, लेकिन अभी ये सुन लो, ये एक परंपरा है। परंपरा कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से आती है। ट्रेडिशन का मतलब है ये आपके काम करने के तरीके, रीति रिवाज जो है। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी समाज अच्छे हैं, पर सभी की परंपराएं अलग अलग होती है, सबकी परिपाटी अलग अलग होती है, और जैसा देश, जैसा काल, जैसा परिस्थिति, वैसी परंपराएं बन जाती है। मैं ये नहीं कहता कि परंपराएं सही है या गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि परंपराओं को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि इनके पीछे कोई रहस्य तो है। अगर ये रहस्य नहीं होता तो ये परंपराएं इतनी मजबूती से अपनी जड़ों को नहीं बना पाती। सर कैसे? देखो ये जो तरीका है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई कास्टिज्म से बनिया होता है, ये कर दिया गया भेद अलग बात है, बनिया वो नहीं होता कास्टिज्म के हिसाब से, बनिया वो होता है जो व्यापार करता है, जो व्यापार करता है वो बनिया है। कोई ऐसा नहीं कि अग्रवाल है तो ये बनिया है, ये चौधरी है तो ये बनिया नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यापार जो करता है वो बनिया है, और व्यापार जब करता है तो वो क्या होता है, जैसे आप इधर राजस्थान से बॉर्न बॉटअप हैं, आप यहां बड़े हुए, आपने यहां जिन परिवारों में जन्म लिया, सब आपने देखा, वो सब जो है, क्योंकि राजस्थान क्या था, राजस्थान कोई इंडस्ट्रियल स्टेट तो था नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था नहीं, कुछ टूरिज्म की वजह से कुछ अलग तरह का यहाँ का परिवेश था, यहाँ एजुकेशन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा और लेट हुआ, लोगों ने स्ट्रगल बहुत किया, रिसोर्सेस कम थे तो उनमें स्ट्रगल करने की जो आदत पड़ी और रिसोर्स मैनेजमेंट की आदत पड़ी वो यहाँ पे पड़ी। और यहाँ के लोग, दूसरी इंडस्ट्री वाले लोग कहते हैं, दूसरे स्टेट वाले लोग कहते हैं कि मारवाड़ी बहुत कंजूस होते हैं। बेसिकली कंजूस की बात नहीं है, वो मितव्ययी होते हैं, और मितव्ययी होना
परिस्थितियां सिखा देती हैं। जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, संसाधन कम होंगे, तो आपको मित्र ही बनना ही पड़ेगा। तो यहां इन्होंने अपने काम करने का तरीका कैसे बनाया वो आपको बताता हूं। ये पता है क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट जो है ना, इनको पता है गवर्नमेंट ईयर के एंड में आपके देखेगी फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में आप इसको बना के दोगे पीएनएल और बैलेंस शीट। पीएनएल में आते हैं आपके एक्सपेंस और इनकम, और इसमें आती है आपकी एसेट और लायबिलिटी। गवर्नमेंट आपकी एक्सपेंस और इनकम से आपका प्रॉफिट देखेगी, और प्रॉफिट के ऊपर वो आपको टैक्स लेगी। कायदे की बात है, वो लेगी लेगी टैक्स। तो बात ये आया कि ऐसे बिजनेस जो लोग चलाते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना चाहते हैं। देखो, देना तो कोई भी नहीं चाहता, मजबूरी है। अब जो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना चाहते हैं ना, तो वो इनमें क्या करते हैं, जब वो पीएनएल बनाते हैं और जब अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो इस तरीके से जो है आयाम बनाते हैं कि वो बुक्स के अंदर अपने खर्चे ज्यादा दिखाते हैं। खर्चे इतने होते नहीं, लेकिन खर्चे ज्यादा दिखाए जाते हैं। इनकम को कम दिखाया जाता है, खर्चे ज्यादा इनकम को कम दिखाते हैं, एसेट को वो अपनी कम दिखाते हैं, लायबिलिटी को अपनी ज्यादा दिखाते हैं। तो ऐसा करने से उनके बुक्स में उनके प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम। और प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो टैक्स भी क्या होगा, कम। और अगर प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ब्लैक मनी इकट्ठा किया है, काला धन इकट्ठा किया है, गुप्त संचय आपने इकट्ठे किए हैं। तो जो गुप्त संचय सीक्रेट रिजर्व बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं, जो काला धन इकट्ठा होता है वो इसी वजह से होता है। क्यों होता है सर ऐसा, क्यों? क्योंकि इनके जो मन में होता है ना, वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। ये एक्चुअली पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं। जो पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं ना, तो पुराने समय में क्या था, परिवार में कमाने वाले एक दो लोग होते थे, खाने वाले 20 लोग होते थे। अब ये न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम हो गया, ये मेरे बच्चे हैं। वहां उस समय ऐसा कुछ नहीं था, व्यापार चल रहा है, पूरा परिवार पल रहा है, तो वो उनके दिमाग में बड़ी जिम्मेदारियां होती थी। ये बच्चियों की शादियां करनी है, मकान बनाना है, ये करना है, ये करना है। तो उनके सामने क्या था, वो बहुत दूरदर्शिता वाले लोग होते थे, वो आगे से आगे की प्लानिंग दिमाग में रखते थे। तो उनको हमेशा खर्चे ही दिखाई देते थे, उनको हमेशा जिम्मेदारियां ही दिखाई देती थी। देखो, इस जीवन में जिनको खर्चे और जिम्मेदारी दिखाई देती है ना, वो कभी एंजॉय नहीं कर सकते। ये एक शाश्वत सत्य है। आप चाहे अधिकारी बन जाना, आप अगर परिवार को साथ लेके चलोगे ना और सब चीजों को ध्यान में रखोगे, तो आप तो एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने सभी जिम्मेदारियों को समझा और आपने कहा भाई मैं नौकरी लग गया, मैं मेरे हिसाब से रहूंगा, मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलाऊंगा। कोई सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई परंपराओं में बंध के रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता। तो ये बात यह है कि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सभी व्यवसाय को इसको अपनाना चाहिए। जिनमें दूरदर्शिता है, जिनमें विवेक है, जिनमें ये समझने की एबिलिटी है। कोविड जैसी सिचुएशन आई, लेकिन राजस्थान में लोग घर में रह गए, फिर भी संयम से समय को निकाल दिया। उसके पीछे रीजन था, उनके पास बचत थी, उन्होंने हमेशा बुरे समय के लिए बचत करके रखी। भले ही उन्होंने बुरा समय देखा नहीं था, लेकिन उनको ये लगा कि समय तो बुरा कभी भी किसी का भी आ सकता है। तो वो जो प्लानिंग करते हैं ना, वो इसी तरह के लोग होते हैं। और ये आप यहीं पे, मैं क्लास में भी कई बार बोलता हूँ, आप ये बातें यहीं पे करते हो कि ये गुज्जर है, ये मीणा है, ये ब्राह्मण है, सब कास्ट अच्छी है, सब बढ़िया है। ये बात सिर्फ आप यहां करते हो। आप ये स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाओ, महाराष्ट्र में, तो पता है क्या होगा, आपको देखकर लोग पता है क्या बोलेंगे, ये मारवाड़ी है, नहीं बोलेंगे कोई ये जाट है, ये गुज्जर है, ये मीणा है। यहाँ आप एक दूसरे से भले ही नफरत करोगे, आप वहां आपको अपना कोई भाई मिलेगा तो आप बहुत खुश होगे उसको देखकर। और अमेरिका जैसी जगह चले जाओगे, आपको आपके जैसा कोई दिखाई देगा तो आपको ऐसे लगेगा मेरे को जिंदगी मिल गई। होता है, कैसे नहीं होगा, सब जगह होता है। तो वो आपको ये संज्ञा दे रहे हैं कि मारवाड़ी है, इसका मतलब आप
को ऐसा लगता है, ऐसी नजरों से देखता है, वो पता है क्या सोचता है आपके बारे में, ये बड़ा बुद्धिजीवी आदमी है, इसको बोलना नहीं आता, इसको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, फिर भी पैसा कमाता है क्योंकि उसको बिजनेस का सेंस होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मैं बताता हूं ये कैसे चलती है। सर कैसे ये खर्चा बढ़ाया जाता है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाई नहीं देता क्या? देखो एक एक्सेप्टेड लेवल के अंदर सब करते हैं और उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे ही वो कोशिश करता है और वो करता है, वो समझता है। जैसे आप जब ना बचपन में थे, वैसे तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए हो आप बचपन में थे तो चोरी करते थे ना, करते थे चोरी, चोरी नहीं करते थे, फिर काय का बचपन था है? चोरी करना गलत थोड़ी था, चोरी तो भगवान कृष्ण भी करते थे, वो कोई चोर थोड़ी थे, करते थे चोरी। हाँ एक्चुअली पता है क्या था, ये इंग्लिश सिस्टम जो होता है ना पॉकेट मनी, ये हमारे टाइम में डेवलप ही नहीं हुआ था, पॉकेट मनी जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। पिताजी से मुलाकात होती थी मारपीट के टाइम ही, बस ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं था, और पॉकेट मनी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। थोड़ी नरम दिल माँ होती थी तो वो क्या होती थी, वो बाजार सामान लाने के लिए पैसे देती थी, तो बच्चे उस पैसे में अपना हिसाब किताब जोड़कर रखते ही थे, इसमें से 2 रुपए यहां बचाने हैं, 3 रुपए यहां बचाने हैं, मैनिपुलेशन करना है, किसी को पता भी नहीं चले और अपना काम भी हो जाए। ये काम सब लोग अपने अपने लेवल पे किया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता था कि हमें पैसे कोई देगा नहीं, हमें पैसे की व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। तो व्यापार जो चलाता है ना वो भी ऐसी व्यवस्था करता है, गृहिणी भी व्यवस्था करती है, वो भी अपनी जगह कुछ संचय करती है, बच्चे भी करते हैं, सब जगह पे सब काम होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सबका यही होता है कि आगे के लिए थोड़ा स्ट्रांग रहना। मैं बच्चों को कई बार एग्जाम्पल देता हूं, ये रियल एग्जाम्पल है, उसको उस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए कि मैं बहुत पहले जब जयपुर में काम करना शुरू किया, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत लेट आया, उससे पहले जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग का जो काम है वो देखता था, तो सबसे पहले मेरे को एक ऑडिट का काम मिला, वो जो फर्म थी वो यहाँ जिसको लोग परकोटा बाजार बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, चांदपुर, छोटी चौपर, बड़ी चौपर, वो आप देखोगे बीच में रोड है, साइड में दुकानें, बरामदे बने हुए हैं, पिंक सिटी का एसेंस आता है, लोग फुटफॉल रहता है। तो मेरे को साहब कहा कि इस ये शॉप नंबर ये है, यहाँ पे आपको ऑडिट करके आनी है। तो साहब जैसे तैसे वो शॉप नंबर तक पहुंचे, वो किराने की बड़ी दुकान थी, अब देखो बड़ी दुकान थी और वहां क्या था, वो जो एक व्यक्ति उस दुकान के बाहर कुछ गेहूं साफ कर रहा था, उसने से पुरानी सी बनियान पहन रखी थी और धोती पहन रखी थी, तो मैंने उनको सज्जन को कहा, मैंने कहा ये मालिक कहाँ है, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो खड़ा हुआ, कपड़े साफ किए, अंदर गया और कुर्सी पे आके बैठ गया। तब मेरी एक चीज समझ में आई, अकेला आदमी दुकान चला रहा है, दूसरा कोई आदमी नहीं है। फिर उसको देखा तो मैंने परिचय दिया, तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा बैठो मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाता हूँ। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी प्रॉब्लम, हम लोग इंग्लिश अकाउंटिंग सीखते हैं वो महाजन पद्धति पे चलते हैं, वो रेड कलर के कवर, येलो कलर के कागज, अपन लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट, वो लिखते हैं श्री राम खाते नामे, और राइटिंग भी उनकी ऐसी होती है, वो बड़ा विचित्र काम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहला काम है तो ये भी करेंगे, ये भी देखेंगे। तो मैंने उसके बारे में जब उसको देखा तो मेरे पहले मन में ये क्वेश्चन आया कि चलो काम तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पैसे कैसे लेंगे, इसको देख के ये पैसे कैसे देगा ऑडिट फीस के, ये दिमाग में चिंताएं थी। लेकिन जब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी ना, तब पता चला इसका तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा टर्नओवर है, कहीं तो एंट्री ही नहीं है बुक्स के अंदर, तो और अकेला आदमी मैनेज कर रहा है इसको, और ये ऐसे रह रहा है, इसको देख के लगता नहीं है वो रूढ़िवादिता से चलने वाला व्यक्ति है। तुम बात कर रहे हो कि बताने की, सरकार छोड़ो वो अपने घर वालों तक को नहीं बताता है,
कुछ नहीं बताता है, हमेशा वैसे ही रहता है और घर वालों को भी ये संदेश देता है, वैसा कुछ नहीं है, व्यापार कभी बंद हो सकता है। बच्चों को भी यही मैसेज देता है, पढ़ लो आगे, कुछ भरोसा नहीं है। इतनी बातें मन के अंदर रखता है, इतनी बातें, पता है वो क्यों करता है? उनके अच्छे समय के लिए। उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है खुद के बच्चों को, ताकि वो जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ पाए। देखो, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो ना, आप जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ जाओगे, आप पैसे की उपयोगिता को समझ जाओगे, आप मानव जीवन में महत्व को समझ जाओगे, क्योंकि आपको आपको जो लोग मिलेंगे वो वैसे ही लोग मिलेंगे। ये परवरिश बहुत जरूरी होती है आपके आगे बढ़ने के लिए। ये जो काम उन्होंने किया, ये सब रूढ़िवादिता की वजह से किया। वो अपने कैसे करते हैं, खर्चे क्या दिखाते हैं, ज्यादा। देखो, ये शब्द छोटा सा शब्द नहीं है, खर्चे ज्यादा दिखाना। तो खर्चे में सारे खर्चे आ गए, खर्चे ज्यादा दिखाना, आय कम दिखाना, संपत्ति कम दिखाना, दायित्व ज्यादा दिखाना। बुक्स में प्रॉफिट क्या आएगा, कम, टैक्स क्या होगा, कम, और गुप्त संचय का क्या होगा, निर्माण। तो क्वेश्चन बना, गुप्त संचय कहां दिखाए जाते हैं? कहीं नहीं दिखाए जाते, कोई चोरी का पैसा दिखाया थोड़ी जाता है। गुप्त संचय कहीं पर भी दिखाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन यहां बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा समझदार क्वेश्चन बनता है। मैं एक क्लास में बता रहा था कि कोविड के टाइम ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो घर पे मेरे को भी खाना बनाना पड़ा। कई बार बनाना नहीं आता था, यूट्यूब देख के जैसा भी प्रयास करके कोशिश कर रहे थे। तो अब जैसे वाइफ ने कहा कि ना वो खाना बनाना है, मैंने कहा सामान बता दो कहाँ कहाँ क्या क्या है, वो ठीक है बना लेंगे। हमारे लोग किसी डिब्बे में से कोई सामान लेना है, उस डिब्बे खोला, उसमें पैसे पड़े, अब दिमाग में दो संशय हो गए कि अगर ये पूछ लिया पैसे कहां से आए, लेडीज अपनी सेविंग करती है, ये पूछ लिया तो तकलीफ, और घर से बाहर निकल नहीं सकते, लॉकडाउन का समय है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग मुद्दा है। तो ये चर्चा की नहीं, और बस जाके इतना ही पूछा अंदर कि वो सामान लाल वाले डिब्बे में से लेना है, हरे वाले डिब्बे में से लेना है, ताकि उनके दिमाग में ये बात बताई जा सके कि आपके जो भी रिसोर्सेज है उसको सही कर लो आप। तो जैसे डिब्बे का नाम लिया तो उन्होंने कहा आप यहाँ कमरे में आओ, 10 मिनट बैठो, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद में खाना बनाना। मैंने कहा ठीक है। वो 10 मिनट किचन में गए, अपना काम किया और वापस आ गए। वो क्या थे? वो गुप्त संचयों का निर्माण था। तो उन्होंने कोई अपने लिए थोड़ी किए थे, वो भी समझते हैं कि कल को कोई समस्या आ गई तो पैसे हाथ में रहे तो कोई चीज कर सकते हैं। तो ये सब जगह सब लेवल पे होता है। अब देखो, व्यापार के साथ समस्या क्या है, ये कैसे ज्यादा दिखाए। व्यापार ने क्या किया, जैसे माल बेचा, ये माल बेचा और ये भी बेचा उधार, मतलब क्रेडिट पे माल बेचा। उधार माल बेचते ही वो व्यक्ति आपका क्या बन गया, देनदार, आपका देनदार बन गया। अब देनदार है, उधार माल दिया है, पैसा 1 महीने बाद देगा, पैसा 2 महीने बाद देगा, लेकिन आपका ये अनुभव कहता है कि जब भी उधारी का पैसा लेने जाते हैं तो डूबत तो होती होती है, पैसा डूबता तो है ही, पूरा पैसा आता ही नहीं है। तो उन्होंने सरकार को पहले ही कह दिया, देखो भाई हमने 1 करोड़ का माल उधार बेचा है, 1 करोड़ का, हमारा अनुभव कहता है कि 5% पैसा डूबता है, तो हम हमारे खर्चे में पहले ही 5% का क्या बना लेते हैं, प्रोविजन, इतना पैसा तो डूबेगा। प्रोविजन जो होता है ना, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आयोजन, यानी प्रावधान। प्रोविजन दो शब्दों से मिलके बना है, प्रो और विजन। विजन का मतलब होता है दूरदर्शिता, दूरदर्शिता वाले लोग ये होते हैं, ये विजन बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, भविष्य की कोई संभावित क्या दिख रही है, हानि, भविष्य में क्या होने वाली है, हानि, उसके लिए व्यवस्था आज ही करके चलते हैं, आज ही व्यवस्था। उसका मतलब संसार का कोई भी प्रोविजन बनता है, प्रोविजन कोई भी बनता है, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बनता है।
कोई भी प्रोविजन, आयोजन, प्रावधान, देनदार जिसको आपने माल उधार बेचा, पूरा पैसा नहीं आएगा, एक तो कुछ पैसा डूबेगा और एक अगर पैसा देने भी आ गया तो पूरा पैसा नहीं देता है। जैसे बिल बना 51,200 रुपए का तो 50,000 देता है। इसका मतलब एक तो डूबत की आनी होती है और एक डिस्काउंट की आनी होती है। तो इस वजह से दो तरह के प्रोविजन बनते हैं डेटर पर। कौन कौन सा प्रोविजन? बैड डेब्ट का और डिस्काउंट का। कितने प्रोविजन बने? दो। और मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूं, संसार का कोई भी प्रोविजन बनता है वो इसी वजह से बनता है। कोई भी प्रोविजन, नाम किसी का भी आ जाए, पर याद रखना मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूं, संचय की बात नहीं कर रहा, किसी बात कर रहा हूं प्रोविजन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप किसी को माल उधार बेचते हो, आप भी तो किससे उधार माल खरीदते हो? किससे खरीदते हो? क्रेडिटर से। आप भी तो उसको पैसा कम देते हो, आपको भी तो डिस्काउंट मिलता है। वो क्रेडिटर पर डिस्काउंट का रिजर्व नहीं बनाते, क्योंकि वो किस साइड जाता है? आय। और आय को क्या दिखाना चाहते हैं? कम। ये इस वजह से होता है कि प्रोविजन तो बना लेते हैं पर संचय नहीं बनाते, क्योंकि संचय बनाओगे तो दिखाई देंगे, वो दिखाते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी तक समझा होगा, व्यापार के गोडाउन में साल के अंत में बिना बिका माल, जिसको आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड पर, और ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड होता है इनकम का साइड। किसका? इनकम। क्या दिखाना चाहते हो? तो इसलिए उन्होंने रूल बनाया कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो दोनों में से कम हो। जैसे मान लो आपकी मोबाइल की शॉप है, 50 लाख का मोबाइल पड़ा आपके पास में कॉस्ट, आप बेचोगे 70 लाख में, पर गवर्नमेंट आपसे पूछेगी आपका स्टॉक बताओ तो आप कितने बताओगे? 50 का। 70 बताते ही तो उसको 20 दिखाई देगा ना प्रॉफिट का। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करना कौन सिखाता है? रूढ़ी वादिता सिखाता है। ठीक है सर, ये इस तरीके की प्लानिंग है, ये रूढ़िवादिता वाले लोग ही करते हैं। रूढ़िवादिता वाले लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा चलते इस तरीके से हैं। हर एक चीज की व्यवस्था होती है इनके पास में। आप पुराने लोगों को देखो, आप घर में शादी करनी है उसकी व्यवस्था कर रखी है। आपके पास आज कोई काम करना है ना तो आप पैसे मांगते घूमते हो, पर्सनल लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं। वो नहीं, वो चलते ही ऐसे ही है, उनको रूढ़िवादिता से चलना ही बढ़िया लगता है। मैं कई बार ऐसे बोलता हूं कि जैसे मैं कई बार कार से भी आता हूं, कई बार बाइक से भी आता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जैसे कई बार ठीक है फैमिली साथ में होती है, कार चला रहा हूं तो फोन कई बार लगा लिया और सामने ट्रैफिक पुलिस वाला तैयार, रोक लिया तो ज्यादा बहस नहीं करता। मेरे को पता है फैमिली के साथ में इतना टाइम इनके साथ बहस करने में कौन निकालेगा। तो वो उसको 500 रुपए दिए और वहां से रवाना दे दिए। कोई रास्ता नहीं है, क्या करें? यहाँ रूटी बात चल नहीं सकते। लेकिन मैं कभी अकेला होता हूं और मान लो बाइक पे होता हूं तो, और मान लो रोक लिया तो उसको कभी 500 रुपए नहीं देता। ठीक है, वो मेरे से ऐसे पूछ लेता है, पूछ लिया क्या करते हो? रीट की तैयारी कर रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं सिलेक्शन। कई देर तक खड़ा रखता है 2-5 मिनट, फिर कहता है रुपए चलान कटेगा 500 रुपए का। मैंने कहा 22 रुपए जेब के अंदर, गाड़ी कागज मैंने कहा नहीं है, घर पे है। 2-5 मिनट खड़ा रखता है, उसके बाद में या तो 20 रुपए लेके रवाना कर देगा। वहां उसको बताना जरूरी थोड़ी है कि मैं ये इंस्टीट्यूट है, मैं ये हूं। ऐसा है कि ऐसी जगह बताने से कोई मतलब नहीं है। तो आदमी हमेशा ऐसी स्थिति को अलग अलग स्वरूप में लेके चलता है। इसका एक अपवाद है जिसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो सुन लो क्या है। वो है विंडो ड्रेसिंग।
विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावटी साज सज्जा। क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावटी साज सज्जा, यानी ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये दिखावटी साज सज्जा है। और दिखावटी साज सज्जा रूढ़िवादिता का उल्टा है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। जीवन में ये भी होता है, जीवन में वो भी होता है, लेकिन ये रूढ़िवादिता इसको नहीं करती, ये इसका अपवाद है। पांच एग्जाम्पल देता हूं, आप सीख लो। एग्जाम्पल नंबर पहला, शादी होती है ना, शादी, शादी में जो ब्राइडल और ग्रूम जो होता है, दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं, उनका जो मेकअप होता है ना, वो विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं होता खराब को ज्यादा खराब दिखाना, टैक्स कम देना, नहीं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अच्छे को और अच्छा दिखाना। मेकअप से ये हो सकता है अच्छे को और अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, ये विंडो ड्रेसिंग होती है। और विंडो ड्रेसिंग रूढ़िवादिता का क्या होता है? अपवाद, उल्टा चलता है विंडो ड्रेसिंग। खर्चे क्या दिखाता है? कम। आय ज्यादा, एसेट ज्यादा, लाइबिलिटी कम, प्रॉफिट ज्यादा। ये कौन करते हैं? ये उल्टे वाले लोग करते हैं, विंडो ड्रेसिंग वाले लोग। करना पड़ता है साहब, ये भी मजबूरी है, व्यापार है, परिवार है, घर है, ये मजबूरी है, करना पड़ता है। सर कैसे और कहां करना पड़ता है? आपको आपके लेवल का एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे आप घर में थे तो सभी ग्रामीण परिवेश से होते हैं, कुछ कस्बे से होते हैं, फिर पढ़ने आए, आपने अपना जीवन देखा हुआ है कि मैंने भी, अब जैसे घर में मान लो करेले की सब्जी बनती थी तो पूछ लिया किसकी सब्जी है कि करेले की सब्जी, और अगर ये बोल दिया कि ये तो नहीं खानी, नहीं खानी तो घर से बाहर, यहां यही मिलेगा। क्यों? उन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं, उन्होंने कहा यही है और कोई रास्ता नहीं है। अभी वाले बच्चों को जैसे आप बोलते हो ना, कोई बात नहीं, पसंद नहीं, जोमेटो से ऑर्डर कर दे, वो ऑप्शन ही नहीं थे वहां पर, न देते थे न करते थे, क्योंकि वो लोग चलते किससे थे? रूढ़िवादिता चलते थे, पैसे ऐसे ही इकट्ठे होंगे। मेरे बड़े भाई के कपड़े छोटे हुए मैंने पहन लिए, वो क्या था? वो बचत का तरीका ही था। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे आप स्कूल से घर पहुंच गए और आपने देखा कि ना किचन में तीन चार लोग लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी बन रही है, तब आपको इतना तो समझ में आता ही था कि अपने लिए तो नहीं है, ये कोई मेहमान या कोई विशिष्ट लोग आ रहे हैं, ये उनके लिए, अपने को मिल जाएगा बात अलग है, पर अपने लिए नहीं है। वो दिखावटी साज सज जाती, फिर थोड़े वो चले गए, उसके बाद में आपने देखा किचन में अगले दिन कोई नहीं है, तो आपने पूछा वो खाने के लिए, तो आपको ये कहा गया है वो कल वाला खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म होगा उसके बाद में नया बनेगा, ये रूढ़िवादिता है। उसकी रिकवरी चल रही है, जो पैसा लगा उसकी क्या चल रही है? रिकवरी। सब जगह होता है दिखावटी साज सज्जा। आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ किसी के सामने करते हैं, बहुत बढ़िया बच्चा है, ऐसा बच्चा सबकी सबको दे भगवान, ये दिखावटी साज सज्जा है। और जो ओरिजिनलिटी में आपके साथ वो व्यवहार करते हैं ना, वो रूढ़िवादिता होती है, वो अपने लिए जरूरी है, वो सही है, उसमें गलत थोड़ी है। सबके साथ ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। मैं जैसे मेरे कभी देखता हूं, मेरे गली में आजकल नए बच्चे हैं, उनकी शादियां होती है, तो मैं देखता हूं उनका, मतलब उनको मैं देखता हूं घर से बाहर निकलते हैं बिल्कुल सूटेड बूटेड, ऐसे घर से बाहर जाने के कपड़े अलग, घर में नाइट सूट अलग, जॉगिंग करने वाले कपड़े अलग। तो उसको देख के मैं सोचता हूँ इतना बदलाव क्यों हुआ, तो कोई बोलता है इसकी सगाई हो गई या शादी अभी भी हुई है, ठीक है, समझ में आ जाता है। फिर दो तीन चार पांच महीने बाद बनियान और पजामे में वो सिर पे घूमता हुआ दिखाई देता है, फिर मेरे को ये समझ में आता है अब इसकी गृहस्थ जीवन सेट हो गया, अभी रूढ़िवादिता पर चल रहा है। करना तो दोनों ही पड़ता है, कुछ जरूरत थोड़ी है कि आप एट ए टाइम, आपको चीजें समझ में आएगी, आ जाएगी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी,
पांच चीजें, पांच पॉइंट बोल रहा हूं, सुनना वापस रूढ़िवादिता के लिए। पहली बात रूढ़िवादिता के लिए, भविष्य की अगर कोई संभावित हानि है उसका वो लेखा आज ही कर लेते हैं, पर भविष्य के अगर कोई संभावित लाभ है उसकी बात बुक्स में खर्चे क्या दिखाते हैं, ज्यादा आय कम, संपत्ति कम, दायित्व ज्यादा, लाभ कम, टैक्स कम, और गुप्त संचय का निर्माण। और गुप्त संचय कहीं पर दिखाए, देनदारों पर दो आयोजन बनाते हैं, डूबत का और पट्टे का, पर लेनदारों पर संचय नहीं बनाते। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते किस पर, लागत और शुद्ध वसूली मूल्य, जो दोनों में से कम हो। एक जो चीज है आप पार्टनरशिप में सीखोगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जेएलपी, पार्टनरशिप में जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, कम, वो इस रूढ़िवादिता की वजह से होता है। वो जब आप वहां जाओगे तब आपको समझ में आएगा ऐसा होता क्यों है। अब आजकल क्वेश्चन आने लग गए, इनमें से कौन रूढ़िवादिता की पालना है, उल्टा इनमें से कौन दिखावटी साज सज्जा का पालन है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों रिवर्स है। किसी बोलेगा हास कम बनाना, हास ज्यादा लगाना, तो ये सब चीजें उसके कॉन्सेप्ट में छुपी हुई होती है और वो कॉन्सेप्ट से ही समझ में आती है और उसको वैसे ही समझना पड़ता है। आगे इतनी बात समझ में। पहली क्लास में स्टूडेंट को जनरली ये होता है कि साहब सिलेबस क्या है, सिलेबस का मैं डिस्कशन आपके साथ भी करूंगा, आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी और किताबें पढ़नी चाहिए, ये भी एक क्वेरी रहती है। तो देखो अगर आप ऑफलाइन बैच में हैं तो ये पहले सुन लें कि आपको बाहर का भी और कभी कोई मटेरियल पढ़ना ही नहीं है। जो आप पढ़ सकते हो ना, जो एनसीईआरटी या जो और है, वो सब हमने पढ़ रखा है और वो सब चीजें इसके अंदर आ रही है। आप हम अगर उसको बोल रहे हैं तो आप उसको सुन लो, एक बार दो बार तीन बार उसको रिवाइज कर लो, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और सर जो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं ये नोट्स उसी ऑर्डर में और उसी तरीके से आपको मिलेंगे। तो एक पहली सिचुएशन आती है कि बच्चा कई बार ये पूछ लेता है कि सर है ना एक बात बताओ, आप है ना आप लिखवाओगे नहीं क्या, आप अगर लिखवा दोगे तो क्या हमें याद हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को आप देखें, आपको ये पता, क्योंकि आप कोई एलकेजी और यूकेजी के बच्चे नहीं हो, आप इस बात को आप समझ लो कि मैं जब आपको ये नोट्स दूंगा, अभी अंडर प्रोसेस में है, तो जब ये नोट्स मिलेंगे तो जैसे मैंने बोला वो उसी सेंस में मिलेंगे आपको, जैसे हमने पढ़ा सत्ता की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया गया, स्वामी का अस्तित्व व्यापार से क्या होता है अलग, दोनों की लेखा पुस्तक क्या होती है अलग, दोनों की संपत्ति दायित्व खर्चे और आय क्या होते हैं अलग, स्वामी को व्यापार में क्या मानते हैं, स्वामी की पूंजी को चिट्ठे में क्या मानते हैं, स्वामी के पर्सनल खर्चों को व्यापारिक व्यय नहीं मानते, क्या मानते हैं आहरण, और आहरण पर क्या वसूल करते हैं ब्याज। अब मैं ये चीज आपको बोलूं फिर आप उसको लिखो या उसको चार बार सुन लो, ये आपके ऊपर है। बात यह है कि जो मैंने लैंग्वेज बोली वही लैंग्वेज इसमें मैंने लिख दी। तो आपको नोट्स बनाने का है ना, पहले नोट्स बनवाता भी था, नोट्स बनाने से क्या होता है उसका अभ्यास होता है, पर साला क्या होता है एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, फिर लिखते वक्त आधा सुनता है। मैं लिखा रहा हूं पुष्पालन, वो लिख रहा है पशुपालन, बोले करूं क्या इनका, और मैं मेरे ही नोट्स को बाद में देखता हूं तो मैं सोचता हूं मैंने ये चीज कैसे लिखवाई, फिर आपने ये लिखवाई थी, अरे ये नहीं लिखवाई थी मैंने। चीजों को आपको मैं कीवर्ड बोलता हूं, आपको लिखने आप लिख लो, आपको समझना आपको समझ लो। आपकी क्लास के साथ में आप ऑफलाइन आ रहे हो, साथ में ये ऐप रहेगा आपके पास में, हर दिन मैंने जो पढ़ा है वो आप उसको बार बार देख सकते हो। तो ये आप आदत में ले आओ, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त क्या है, बड़ा जोश रहता है, फिर पूछते रहते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे कभी भी आ जाएगा, उसे तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, कभी नहीं हो सकती। इस एग्जाम को क्रैक करने गए कि फॉर्मूला किसी भी एग्जाम को,
तीन बार अगर कोर्स रिवाइज नहीं होगा ना, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं हो, ध्यान रखना। और वो तभी हो सकता है जब आप एक साथ उस पर लगे रहोगे, तो हटे और आपका चांस कम हो गया, ये ध्यान रखना। इससे आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।